दोस्तों, साईं बाबा के भक्त चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किलों में क्यों ना फंस जाए, चाहे बुरी शक्तियों के प्रभाव में आ जाए या फिर भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो जाए, साईं बाबा अपने भक्तों की रक्षा करने अवश्य आते हैं। वे अपने सभी भक्तों को कभी भी निराश नहीं होने देते। जो भी भक्त सच्चे मन से हर रोज साईं चालीसा का पाठ करता है, वे कई प्रकार के रोगों से व दुष्ट शक्तियों से कभी भी बाधित नहीं होते। चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना आए, साईं बाबा के कृपा प्राप्त व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानते, उससे आसानी से बाहर निकलने में समर्थ रहते हैं। आज हम आपको ऐसी ही साईं बाबा के सच्चे भक्त की सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। अपने भक्त के साथ साईं बाबा ने ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर आप सभी लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के एक शहर सोलापुर में गणेश नाम का एक साईं भक्त रहा करता था। वह साईं बाबा के भक्ति में इतना तल्लीन था कि उसने आजीवन ब्रह्मचर्या का पालन करने का वचन लिया था। वह हर रोज साईं बाबा के मंदिर में जाकर साईं बाबा के मूर्ति के सामने साईं चालीसा का पाठ किया करता था। गणेश जी की एक औषधि की दुकान थी। उन्होंने कभी भी किसी भी बीमार व्यक्ति को लेकर पैसे की धोखेबाजी नहीं की थी। वह बड़े ही ईमानदारी से अपने ग्राहकों से पेश आते थे। साईं बाबा पर पूरी श्रद्धा होने का कारण उन्होंने कभी भी धन का लालच नहीं किया। कई बार तो वह गरीब लोगों को मुफ्त में दवाई दिया करता था और इसी कारण साईं बाबा भी उस पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। उसे व्यापार में कभी भी घाटा नहीं हुआ। उसकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहती थी। सभी लोगों के साथ अच्छा और निर्मल व्यवहार होने के कारण उससे कोई घृणा भी नहीं किया करता था। सभी लोग उसे सम्मान की नजर से देखा करते थे। परंतु एक दिन गणेश जी के जीवन में ऐसा प्रसंग आया जिसने उनकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। गणेश जी अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और इसी कारण उसके परिवार वाले लोग उस पर शादी करने का दबाव डालने लगे। परंतु गणेश जी का आजीवन ब्रह्मचारी रहने का उन्होंने प्रण कर लिया था। वह उसे तोड़ना नहीं चाहते थे और एक तरफ बुढ़ापे में उनकी माँ से अधिक काम भी नहीं हुआ करता था। तो उसने अपने बेटे से विवाह करने के लिए कई बार प्रार्थना की। कई बार रिश्तेदारों के द्वारा दबाव डालने के कारण गणेश जी को उन सभी लोगों की बात माननी ही पड़ गई और ना चाहते हुए भी उन्हें अपना ब्रह्मचर्या तोड़ना पड़ा। विवाह होने के बाद गणेश जी की दिनचर्या ही बदल गई। अब वह कभी कभार ही साईं बाबा की मूर्ति का पूजा करने लगा। वैवाहिक जीवन में व्यस्त हो जाने के कारण वह साईं बाबा को भूलता जा रहा था। घर के सामने बनाई गई साईं बाबा के मूर्ति के ऊपर बहुत ही अधिक धूल जमने लगी थी। अब तो वह साईं बाबा के मूर्ति के सामने ध्यान भी नहीं देता था और तो और उसने कई हफ्तों तक साईं बाबा के मूर्ति को नमस्कार तक नहीं किया। शायद साईं बाबा अपने भक्त की परीक्षा लेना चाहते थे। इसी कारण गणेश जी के जीवन में कुछ मुश्किलें आनी शुरू हो गई। उनकी औषधि के दुकान पर ज्यादातर गरीब लोग ही आने लगे। दयावान स्वभाव होने के कारण उन्होंने सभी लोगों को मुफ्त में दवाइयां दी, लेकिन ऐसा वो ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाया और फिर उस क्रोध आने लगा। उन्होंने गरीबों की मदद करना भी छोड़ दिया था और धन का लालच करने लगा। एक बार तो एक ग्राहक को उसने गलत दवाइयां ही दे दी, जिसका परिणाम बहुत ही अत्यंत भयंकर हुआ। दवाई के बुरा असर करने की वजह से उस ग्राहक ने थाने में गणेश जी के नाम से FIR दर्ज करा दिया, जिस कारण गणेश जी के औषधि के दुकान के ऊपर ताला लग गया। इतना कुछ हो जाने के बाद भी गणेश जी के जीवन में मुश्किलों का दौर नहीं थमा और फिर अचानक से गणेश जी के पिता की तबीयत खराब हो गई। उसके पिताजी के इलाज में गणेश जी की सारी तिजोरी खाली हो गई और ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। ऐसे में गणेश पूरी तरीके से अकेला पड़ गया। उसने कई लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन उसकी मदद किसी ने भी नहीं की। फिर एक दिन गणेश अपनी माँ के गोद में अपना सर रख कर फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसकी नजर घर के आंगन में बैठी साईं बाबा के मूर्ति के ऊपर पड़ी। साईं बाबा की मूर्ति धूल के कारण पूरी तरीके से काली पड़ चुकी थी। मूर्ति को देखकर अचानक ही गणेश जी को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया। उसने तुरंत साईं बाबा के मूर्ति को साफ किया और साईं बाबा के मूर्ति के सामने अपना माथा टेक कर क्षमा याचना करने लगा। गणेश जी को सारी बात समझ में आ गई थी। उसके बाद कई दिनों तक गणेश जी साईं बाबा के मूर्ति के सामने बैठकर साईं चालीसा का पाठ करने लगे। 11 दिन बीत जाने के बाद उनके साथ एक बड़ा ही चमत्कार हुआ। जो व्यक्ति गणेश जी के दवाइयों से बीमार हो चुका था, वह भी पूरी तरीके से स्वस्थ होकर गणेश जी से मिलने आया और उसने गणेश जी को दवाइयों के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, जो दवाइयां आपने दी थी उससे मेरी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है
और फिर गणेश जी को उनकी औषधि की दुकान भी वापस मिल गई। उनके पिताजी भी कुछ दिनों बाद स्वस्थ होकर घर वापस आ गए। इसी तरह साईं बाबा के चमत्कार ने गणेश जी को पुनः साईं बाबा का भक्त बना दिया। आज भी गणेश जी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ साईं बाबा के मूर्ति के सामने रोज पूजा पाठ किया करता है। तो दोस्तों, साईं बाबा के भक्त की ऐसी सच्ची कहानी को देखने के बाद आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे एक और नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।